तो हाय फ्रेंड, मैं अमरजीत कुमार, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टार मनी मेकिंग। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे यूनिक बिजनेस आइडिया के बारे में जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट ना के बराबर करना होगा, और अगर इस बिजनेस में आपका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट और जानकारी है तो इस बिजनेस को स्टार्ट करके एक अच्छा हैंडसम अमाउंट आप अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप इस 10 बिजनेस में से किसी भी एक बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं और इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आप जो है इसे 2 से 3 महीना में आसानी से सीख सकते हैं। तो फ्रेंड, आइए हम आपको बताते हैं 1 by 1 डिटेल से कि वो कौन सा 10 बिजनेस है जिसमें से कोई आप एक स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले करते हैं आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पहली बार है और हमारे इस वीडियो को पहली बार देख सुन रहे हैं तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, उसके बगल में बनने वाले घंटे जैसे निशान पे भी क्लिक कर दें ताकि कोई वीडियो अपलोड करे तो उसका सूचना सबसे पहले आपको मिल सके और हमारे उस वीडियो सबसे पहले आप देख सके। तो फ्रेंड, इस वीडियो को लाइक करने का टारगेट है पूरे 5000, इस वीडियो को अभी से लाइक करना शुरू कर दें। तो पहला है सोशल मीडिया मैनेजर। अब सोशल मीडिया मैनेजर जैसे कि आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन जैसे काफी ऐसे सोशल मीडिया साइट है जहाँ पे लोग अपने विचार को रखते हैं और वहां से वो अपना रिप्लाई भी लेते हैं। तो वैसे व्यक्ति जैसे कि आप एक्टर, डायरेक्टर, फिर सिंगर, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, वैसे काफी लोग हैं जो अपने बातों को समाज के सामने रखना चाहते हैं पर उनके पास टाइम की कमी है या फिर काफी व्यस्त है, इस वजह से वो इसे मैनेज नहीं करते हैं खुद से। वो कोई ऐसे व्यक्ति को हायर करते हैं जो इस काम को अच्छे से कर सके। तो अगर आपको इसमें थोड़ा बहुत भी रुचि है और इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इसमें से कोई एक व्यक्ति आपको हायर कर सकता है अगर आप सोशल मीडिया मैनेजर जैसे काम को करते हैं तो, और आप इसे अपने मोबाइल से भी ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आप इसे फ्रीलांसिंग के तौर पर काम ले तो काफी लोगों का आप अकाउंट हैंडल करेंगे और आपको इसमें करना क्या होता है वो हम बता दें कि आपको उनके द्वारा बताए गए बातों को पोस्ट करना होता है और पोस्ट के बाद अगर कोई कमेंट्स आते हैं तो उसका आपको रिप्लाई देना होता है। सोशल मीडिया मैनेजर का ये काम है। सेकंड बिजनेस है यूज प्रोडक्ट बाय एंड सेलिंग। अब OLS जैसे बड़े वेबसाइट ने इस काम को काफी इज्जत दे दिया है। कहने का मतलब है OLS भी एक ऐसे ही वेबसाइट है जहां पे पुराने सामान को सेल और खरीदा जाता है। तो अगर आप इसे ऑफलाइन तरीके से अपने लोकल मार्केट या फिर शहर या फिर मोहल्ले जैसे कॉलोनी में भी चालू करना, स्टार्ट करना चाहे तो स्टार्ट कर सकते हैं। सिर्फ आपको करना क्या होगा कि आप अपने घर या फिर आसपास की कॉलोनी को इन्फॉर्म कर दीजिए कि आप पुराने प्रोडक्ट को, यूज प्रोडक्ट को आप खरीदते हैं और वहां से सेल करते हैं तो आप देखेंगे कि वहां पे काफी सेलर आपको आसानी से मिल जाता है और बायर भी आपको मिल जाता है। काफी लोग हैं जो अपने पुराने सामान जैसे कि टीवी, फ्रिज, लैपटॉप, आपको फर्नीचर, बुक्स, वैसे काफी यूनिक पीस जो सेल करना चाहते हैं, और काफी ऐसे लोग भी हैं जो कम कीमत पर पुराने सामान खरीदना चाहते हैं। तो ये बिजनेस भी आपके लिए काफी कारगर साबित होगा पर आपको ध्यान रखना होगा कि जो बीच का मार्जिन हो वो थोड़ा लिमिट में हो। तीसरा बिजनेस है कि मोबाइल फोन रिपेयरिंग। अब आप सोच रहे होंगे मोबाइल फोन रिपेयरिंग, देखिए मोबाइल फोन इंडस्ट्री में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका है और आने वाले समय में काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रो करने वाला है। तो आप सोचिए कि हर व्यक्ति के पास अगर मोबाइल है तो वो कभी ना कभी खराब होगा, तो खराब होगा तो कभी ना कभी मैकेनिक के पास जाएगा। तो अगर आपके पास मोबाइल बनाने की एक अच्छी कला और अच्छी जानकारी है और उसमें बिना कोई हेरा फेरी के अच्छे से काम करते हैं और अपना 100% देते हैं तो लोग को आपके ऊपर ट्रस्ट हो जाता है और धीरे धीरे आपका काम चलना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक अच्छा मौका है। अगर आपके पास मोबाइल बनाने का हुनर नहीं है तो मार्केट में वैसे काफी लोग हैं जो इस मोबाइल रिपेयरिंग के काम को सिखाते हैं, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों तरीके से सिखाते हैं। आप चाहे तो दोनों सीख सकते हैं या फिर आप हार्डवेयर ही सीख सकते हैं या फिर सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस में ज्यादा इंटरेस्ट लेना चाहते हैं। अब चौथा बिजनेस है मोबाइल फूड शॉप।
ये एक नए तरीके की चलने वाली गाड़ी का फूड शॉप है। कहने का मतलब है कि पुराने जमाने में आप लोगों ने देखा होगा और आज भी कहीं ना कहीं आपको दिख जाता होगा ठेले पे कुछ ना कुछ सेल होता हुआ। तो अब जो है थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया, इसमें आप अलग अलग तरह का व्यंजन आप लोगों को दे सकते हैं, बेच सकते हैं, जैसे इडली डोसा, फिर चाइनीज काफी फूड है, थाईस फूड है, लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं, वेज नॉन वेज के तरीके से आप जो है सब कर सकते हैं। अगर किसी एक फूड में आप काफी महारत हासिल किए हुए तो उसे अलग अलग वैरायटी में आप चाहे तो लोगों को दे सकते हैं और एक अच्छा अमाउंट वहां से ले सकते हैं। आप लोग जानते होंगे कि फूड में जो हाथ से बनाकर लोग सेल करते हैं वहां पे इनकम लगभग 200 से लेकर 300% तक होता है। तो ये भी बिजनेस एक काफी कारगर बिजनेस है और यहाँ से लोग अच्छा इनकम जनरेट भी कर रहे हैं। पांचवा है मोबाइल बुक शॉप। अब मोबाइल बुक शॉप क्या है? अब मोबाइल बुक शॉप है चलता फिरता एक बुक स्टोर। यहाँ पे हमने दिल्ली में ही एक व्यक्ति को देखा कि उन्होंने एक ऐसा गाड़ी बना रखा है जिसमें तीनों साइड से लगभग शीशा लगा हुआ था और वहाँ पे वो रीजनल बुक सेल कर रहे थे, यानी कि धार्मिक बुक। लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के बुक में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, लेसन बुक या फिर सिलेबस टाइप बुक। तो आप चाहे तो इसे मिक्स भी कर सकते हैं या फिर कोई एक नॉवेल से रिलेटेड पूरा एक स्टॉल बना के और इसे मोबाइल शॉप में रख सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के बुक को ज्यादा प्रिफेर करते हैं और उसे आप सेल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी आप 50 से 100% तक का कमीशन ले सकते हैं, एक बुक पे इनकम आपके पास आएगा। तो ये भी काफी अच्छा अभी का ट्रेंडिंग बिजनेस में से एक है। अब छठे नंबर के बिजनेस है इन्वर्टर सेलिंग। अब देखिए इन्वर्टर सेलिंग आज के दौर में हर कोई चाहता है बिना रुके टोके मेरे घर के बिजली कंटिन्यू चलता रहे या फिर मेरा लैपटॉप कंप्यूटर डेस्कटॉप कहीं भी वहां पे कंटिन्यू बिजली पास होता रहे, उसमें आता रहे। तो इसको कायम रखने के लिए इन्वर्टर एक ऐसा सुविधा है जो इस काम को पूरी तरह से करता है। तो ये भी एक अच्छा आज के डेट में उभरता हुआ बिजनेस है। अगर आप किसी खास कंपनी के साथ अपना टाई अप करते हैं या फिर उसका होलसेल लेते हैं तो आप जो है यहाँ पे एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं, या फिर अगर आप रिपेयरिंग का काम भी इससे रिलेटेड करते हैं तो आप यहाँ पे अच्छा इनकम कर सकते हैं। बस आपको क्या करना होगा कि आप एक बेहतर कंपनी के साथ जुड़े या फिर एक बेहतर इन्वर्टर मैकेनिक बन जाए, तो यहाँ से भी आप एक अच्छा अमाउंट जनरेट कर सकते हैं। लगभग 25% मार्जिन होता है एक इन्वर्टर सेलिंग पे। अब सातवां बिजनेस है आटा चक्की का। अगर आप महिला हैं तो यहाँ पे आप आटा चक्की लगा के अपने घर में एक अच्छा रोजगार शुरू कर सकते हैं। देखिए इसमें करना क्या होगा कि आप आटा चक्की रखाएं, काफी साफ सुथरे तरीके से हर काम को करें, लोगों में जानकारी दें कि हमने इस तरह से काम स्टार्ट किया है जहाँ पे हम आटा बाजरा अलग अलग तरह के जो भी दलहन हो उसे हम पीसते हैं, जो भी पीसने वाला चीज है उसे पीसते हैं, जैसे चावल भी आजकल पीसा जाता है। तो हर चीज जो भी पीसा जाए चक्की के अंदर उसके बारे में आप सबको बताएं कि आप ये काम स्टार्ट किए। आपको हम बता दें कि काफी ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हम उसे खड़े लाएं और उसे किसी मशीन के जरिए पिसवा के और हम अपने खाने में प्रयोग में लें। तो इस तरह के लोग आज भी हैं हमारे भारत में और इसे काफी लोग काम में ले भी रहे हैं। तो आप चाहें तो भीड़ भाड़ के शहर आपके हैं तो भी वहां पर आप इस काम को अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं। अब आठवां बिजनेस है रिज्यूमे लिखना। अब रिज्यूमे लिखने वाली बात आ गई तो अगर आपके पास थोड़ा भी टैलेंट है रिज्यूमे लिखने के लिए तो आप जो है इस काम को कर सकते हैं। ये फैशनेबल काम है, इसे आप आसानी से अगर आपने पैसा बना लेते हैं तो रोज आप 2-4-10 रिज्यूम लिख सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं, आप घर बैठे इस काम को कर सकते। अगर आपके पास लैपटॉप है तो उस लैपटॉप की मदद से ही आपको इस काम को करना है। इसके लिए आपको कस्टमर ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। अगर आप फेसबुक यूजर हैं तो वहां पे भी आप एडवर्टाइज करके और अपने कस्टमर को अपने पास ला सकते हैं, या फिर आप फ्रीलांसिंग की मदद ले सकते हैं, या फिर ये एचआर किसी कंपनी के साथ जुड़कर आप इससे काफी अच्छा पैसा अर्निंग कर सकते हैं।
तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा तरीका अपनाकर अपना कस्टमर अपने पास लाएंगे और अपने पैशन को बिजनेस में बदल सकते हैं। नौवा बिजनेस है टीवी रिपेयरिंग का। अब देखिए टीवी रिपेयरिंग एक पुराने तरीके का बिजनेस दिखने में और सुनने में लग रहा होगा आपको, लेकिन हम आपको बता दें कि अगर आपके घर में टीवी है और एक दिन के लिए वो खराब हो जाए तो आप जो है उसे ठीक करवाने के लिए ना जाने कितने हठगंडे अपना लेंगे और उसे चाहेंगे कि कम से कम समय में उसे ठीक करवा लें। अब सोचिए कि ये आपके ऊपर लागू हो रहा है तो हर व्यक्ति पर ये बात लागू होता है, तो हर कोई चाहेगा कि उसका टीवी जब उसका मन हो तब वो चालू कर सके और जो भी मर्जी का वो प्रोग्राम देख सके। तो इस हालत में टीवी रिपेयरिंग का काम भी आप अगर शुरू करते हैं तो वैसे व्यक्ति जो टीवी से काफी लगाव रखते हैं तो आप उनका फायदा उठाकर आप टीवी का रिपेयर करके एक अच्छा हैंडसम अमाउंट ले सकते हैं। अब आपको हम बता दें कि अगर आपके घर में कोई टीवी रिपेयर करने वाला व्यक्ति आता है तो वो एक डॉक्टर से भी ज्यादा फीस लेता है आपके होम विजिट का। तो इस तरह से टीवी रिपेयर वाले व्यक्ति जो है काफी अच्छा अमाउंट अर्निंग कर लेते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि जब इस काम को आप शुरू करें तो थोड़े से ईमानदारी बरते, काफी हेरा फेरी होता है इस बिजनेस में, तो वो हेरा फेरी से आप बचे। धीरे धीरे जब आपके बारे में पूरे आसपास के इलाके में जानकारी हो जाए कि आप एक बेहतर मैकेनिक हो टीवी के, तब जाकर आप चाहें अगर आपका दिल अलाउ करता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, नहीं तो जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। अब आखिरी और दसवां बिजनेस फोटोग्राफर का। देखिए फोटोग्राफर ये भी सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा है, बट आज के दौर में चाहे कितने भी लोगों के पास मोबाइल फोन हो जाए, स्मार्ट मोबाइल फोन है भी, तब भी वो किसी भी प्रकार के इवेंट अगर करते हैं तो वहां पे कोई ना कोई एक फोटोग्राफर तो होता ही होता है। जो इवेंट को ऑर्गेनाइज किए हैं वो व्यक्ति तो निश्चित तौर पर एक फोटोग्राफर को रखता है, क्योंकि मेमोरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है। जब वो फोटोग्राफर वो अपने कैमरे से कोई पिक्चर क्लिक करता है तो वो काफी अच्छे से आपको एक एल्बम में देता है, तो वो एक याद के लिए आपके पास हमेशा के लिए रह जाता है जो भी आप इवेंट करवाते हैं। तो यहाँ पे फोटोग्राफी का भी काम एक अच्छा है। अलग अलग पार्टी फंक्शन आज के डेट में हो रहा है, जैसे शादी हो गया, सेमिनार या फिर बर्थडे पार्टी, इसी तरह से काफी सारी पार्टियां होती है जहां पर एक फोटोग्राफर की जरूरत हमेशा होता है। अब बात कर ले, अगर आपके पास कैमरा नहीं है तो आप किराए पर भी कैमरा ले सकते हैं और उस कैमरे का किराया आप अपने एक शादी या फिर पार्टी फंक्शन से निकाल कर उसे दे भी सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहे तो ट्रैवल और एडवेंचर फोटोग्राफर का भी काम कर सकते हैं, और उसे आप चाहे तो फेसबुक या फिर काफी ऐसे वेबसाइट है जहां पे अपलोड करके उसे सेल कर सकते हैं। वो आप एक फोटो क्लिक करते हैं लेकिन जब ऑनलाइन सेल होता है तो वो 1,00,000 दफा भी सेल हो सकता है और एक ही फोटो को आपको 1,00,000 दफा इनकम मिल सकता है। तो इस तरह से भी आप चाहे तो फोटोग्राफी का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। फ्रेंड ये वीडियो यहीं तक था, आप लोग कैसा लगा आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड इसमें से कौन सा बिजनेस सबसे अच्छा आपको लगा आप प्लीज इस वीडियो में कमेंट करके बताइए। अगर आप चाहते हैं किसी भी एक टॉपिक पर फुल वीडियो तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं, तो हम कभी भी आपके लिए उसका फुल वीडियो बना के जरूर बताएंगे। तो फ्रेंड और अधिक बिजनेस रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करें और अधिक वीडियो आपको मिल जाएगा बिजनेस से रिलेटेड।